तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में द्रोणाचार्य बॉक्सिंग ट्रस्ट की तरफ से हरियाणा स्कूल स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में आपको बता दें कि समापन कार्यक्रम में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल में अब बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। इस दौरान पूर्व उद्योग मंत्री ने कार्यक्रम में सफल आयोजन के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ संयोजक राजीव गोदारा का भी धन्यवाद किया। आपको बता दें कि चैंपियनशिप में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के मैच हुए थे। इसमें प्रदेश के लगभग 845 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और मित्रों, क्योंकि ये खेल से मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद भी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ बिहार का मैं 10 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ, लेकिन जब आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर एमएलए का दायित्व मिला, फिर हरियाणा सरकार ने मुझे मंत्री बनाया गया, तो इस फरीदाबाद के अंदर खेलों को प्रमोट करने के लिए, चाहे कुश्ती की बात हो, चाहे बॉक्सिंग की बात हो, चाहे स्टोटो की बात हो, हॉकी पिच भी आज यहाँ पर है कि पूरे इंडिया के अंदर वन ऑफ द टॉप हॉकी पिच फरीदाबाद के अंदर है, इंडोर स्टेडियम बनाने की बात है। और खिलाड़ियों के लिए, जो कि खिलाड़ी जिस तिरंगे को लेकर अपनी शान महसूस करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमते हैं और हमारा सीना भी उसे देखकर चौड़ा हो जाता है, मैंने अमित शाह जी को बुलाकर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ट्राई कलर हमने फरीदाबाद के अंदर स्थापित कराया। और फरीदाबाद का जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, वो कभी राजनीति की भेंट चढ़ गया था। 2006 के बाद कोई भी उसके अंदर मैचेस नहीं हुए थे। 150 करोड़ रूपये सेंक्शन करा के उसे आज आईपीएल के हिसाब से नया स्टेडियम बनने का काम